गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप IAS डेली करेंट अफेयर MCQ डिस्कशन में आपका स्वागत है। UPSC हर साल 30 से 35 क्वेश्चन करेंट अफेयर के रूप में पूछती है। इन्हें 25 अलग अलग आयामों से पूछे जाते हैं। इन्हीं कुछ महत्वपूर्ण स्रोतों से जैसे द हिंदू, मिंट, PIB, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, राज्यसभा TV इत्यादि से आपके लिए करेंट अफेयर के टॉपिक लेकर आते हैं, उसे आपके साथ डिस्कशन करते हैं। ये जुलाई महीने का हमारा 21वां डिस्कशन वीडियो है। चलिए हम आज का अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारे डिस्कशन का पहला प्रश्न क्या कहता है, जी फैटम के बारे में सही कथन की पहचान करें। दो कथन दिए गए हैं, आपको सही कथन की पहचान करनी है। पहला कथन कहता है, इसे ग्लोबल फंड के रूप में भी जाना जाता है। आगे बताता है, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सहायता करता है। फ्रेंड्स, जी फैटम जिसकी स्थापना 2002 में की गई थी, इसे ग्लोबल फंड के रूप में ही जाना जाता है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा सतत विकास के 17 लक्ष्य 2030 तक प्राप्त करने के लिए तय किए गए हैं। इन्हीं में से कुछ बीमारियां जैसे कि TB, मलेरिया या फिर एड्स, इनको समाप्त करने की दिशा में पूरे विश्व से पैसे जुटाए जाते हैं जी फैटम के अंतर्गत, और उसे संबंधित जरूरतमंदों को बांटा जाता है, दिया जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ग्लोबल फंड मुख्य रूप से, जिसे जी फैटम के नाम से जाना जाता है, 2002 में स्थापित किया गया था, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। यानी कि पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कहता है, इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। जी फैटम का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थापित किया गया है। यानी कि दूसरा कथन गलत हो जाता है। सही कथन की पहचान करनी थी, पहला ही केवल सही है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, तो आप इसे ध्यान रखें। अगर हम बात करें इसके पूरे नाम का, तो इसी में सब कुछ छिपा हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। इसे ग्लोबल फंड कहा जाता है। इसमें ए जो लिखा हुआ है वो एड्स के लिए है, टी ट्यूबरकुलोसिस के लिए है, और एम मलेरिया के लिए है। तो ये अब आपको आसान हो जाएगा, आप याद कर लेंगे। ये यूनाइटेड नेशन के सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। 2002 में स्थापित किया गया था। इस फंड के अंतर्गत जो पैसा आता है, जिसे जरूरतमंदों को दिया जाता है, वो अलग अलग देशों की सरकारों के द्वारा, नागरिक समाजों के द्वारा, निजी संस्थानों के द्वारा भी इसमें सहयोग दिया जाता है। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। यदि हम बात करें इसके प्रशासन का, मतलब जो पैसा इकट्ठा होता है या फिर जो पैसा इकट्ठा किया जाना है उसके प्रशासन का, तो इसे जब 2002 में स्थापित किया गया था, उस समय इसे एक गैर लाभकारी संस्थान के रूप में संचालित किया जा रहा था। मतलब एक NGO के रूप में यह संस्थान संचालित हो रहा था, लेकिन आगे चलकर इसे WHO के द्वारा संचालित किया जाता है। लेकिन 2009 में WHO को भी इससे बाहर कर दिया जाता है, और वर्तमान में ये एक स्वायत्त संस्थान के रूप में, मतलब ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के रूप में अपना कार्य कर रहा है। तो इसे आप ध्यान रखें। इसका लगभग 95% जो पैसा है वो सार्वजनिक क्षेत्रों के योगदान से आता है, तो इसे भी आप ध्यान रखें। हमारे डिस्कशन का दूसरा प्रश्न क्या कहता है, मनोदर्पण इनिशिएटिव जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया, किसके साथ जुड़ा हुआ है। आपके दिए गए ऑप्शन में इसे मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए छात्रों को मनोसामाजिक सहायता, दूसरा कहता है एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम, स्कूली शिक्षकों को लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन पढ़ाने का प्रशिक्षण देना, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम यानी कि MSME की ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया। आपको बताना है मनोदर्पण जो पहल हाल फिलहाल में शुरू किया गया वो किसके साथ जुड़ा हुआ है। फ्रेंड्स, आप याद कर लीजिए, मनोदर्पण पहल HRD मिनिस्ट्री यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम में किया क्या जाएगा कि जो लोग भी लॉकडाउन की वजह से मानसिक समस्या का सामना कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे वो परिवार
से संबंधित लोग हों जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हों या फिर शिक्षक खुद हों, उन सभी लोगों को मानसिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए, मानसिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। तो आप इसे याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए होगा जिसमें लिखा गया है अपने मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए छात्रों को मनोसामाजिक सहायता। इसके माध्यम से ऑनलाइन कैंपेनिंग की जाएगी, लोगों को प्रोत्साहित करने की कोशिश की जाएगी, तो इसे आप ध्यान रखें। इसके लिए मंत्रालय का नाम पूछा जा सकता है, क्या है ये पूछा जा सकता है, किसके अंतर्गत शुरू किया गया है वो भी पूछा जा सकता है। तो इन तीन बातों को आपको याद रखना है। हमारे डिस्कशन का तीसरा प्रश्न क्या कहता है, ब्लैक रोक जो हाल ही में समाचारों में था किसके साथ जुड़ा हुआ है। यहां पर चार ऑप्शन में रैनसमवेयर, रेडियो कार्बन डेटिंग मालवेयर, नेटवर्क सुरक्षा ऐप। फ्रेंड्स आप याद कर लीजिए, अभी कुछ ही दिनों पहले ब्लैक रोक, आई थिंक दो दिन पहले ही ब्लैक रोक काफी चर्चा में था। ये एक मालवेयर है। मालवेयर क्या होता है, ये एक प्रकार के वायरस होते हैं जो किसी एप्लीकेशन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जैसे आप जानते हैं वायरस का अटैक हो जाता है, उसी प्रकार से कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो किसी स्पेसिफिक काम के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कोई ऐप को खतरा पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं, वहां से डाटा चोरी करने के लिए बनाए जाते हैं, तो उसको मालवेयर कहा जाता है। तो आपको यही पूछा जा सकता है कि मालवेयर ब्लैक रोक क्या है, तो आप बोलेंगे ये एक मालवेयर है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, इसे आप ध्यान रखेंगे। मुख्य रूप से ऐसा बताया गया है कि ब्लैक रोक जो है वो अमेजन जैसे साइट, फेसबुक, जीमेल या फिर टिंडर, ये कुछ ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड स्मार्टफोन में एप्लीकेशन बेस्ड उत्पाद होते हैं जिनका अच्छे खासे यूजर हैं, उनको घात लगाया जा सकता है, उन पर अटैक हो सकता है, ऐसा सिक्योरिटी फर्म थ्रेट फैब्रिक के द्वारा बताया गया है। तो ये आप ध्यान रखें, ये पूछा जा सकता है, न्यूज में था, क्या है। हमारे डिस्कशन का चौथा प्रश्न क्या कहता है, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया। आपके दिए गए ऑप्शन में झारखंड, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु है। फ्रेंड्स मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना दिल्ली जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, यहां पर केवल राज्य नहीं होगा, यहां पर यूनियन टेरिटरी भी होगा, तो दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ये कोई अलग कार्यक्रम नहीं है, जो टारगेटेड पीडीएस कार्यक्रम आप जान रहे हैं, जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, लोगों को सस्ते कीमत पर, जो भी बीपीएल परिवार के लोग हैं उन लोगों को सस्ते कीमत पर राशन उपलब्ध कराया जाता है। दिल्ली सरकार के द्वारा ये किया गया है कि जो लोग भी टारगेटेड पीडीएस कार्यक्रम के लाभार्थी हैं उन लोगों को घर पहुंचाया जाएगा राशन, उनको राशन वितरण स्थलों पर आकर लाइन लगने की आवश्यकता नहीं होगी, उनके घर जाकर दिल्ली सरकार पहुंचाने का प्रावधान करेगी। तो ये आप ध्यान रखेंगे, काफी अच्छा इनिशिएटिव है, ऐसा होता है, सम्मान मिलेगा गरीबों को, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, आप इसे ध्यान रखें। हमारे डिस्कशन का अगला प्रश्न क्या कहता है, हाल ही में शुरू किए गए राइज कार्यक्रम के बारे में सहयोगी संस्थानों की पहचान करें। आपको बताना है कि राइज कार्यक्रम जो हाल फिलहाल में शुरू किया गया था उसे किसके द्वारा शुरू किया गया है। पहला कहता है एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड एंड मतलब और यूएस एड। अगला कहता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और पर्यावरण मंत्रालय। नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है राइज कार्यक्रम जो हाल फिलहाल में शुरू किया गया वो किनके किनके बीच सहयोग से शुरू किया गया है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है, यानी कि राइज कार्यक्रम जिसकी शुरुआत हाल फिलहाल में भारत के अंतर्गत की गई, भारत सरकार के अंतर्गत की गई, वो एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड जो कि विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आता है उसके और यूएस एड के द्वारा शुरू किया गया। तो इसे आप ध्यान रखें, ये है क्या। फ्रेंड्स ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत घर के बाहर के वातावरण में वायु की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। ध्यान रखेंगे घर के बाहर जो वायु होती है, जो हवा होता है, उनको प्रदूषण स्तर से कम करना
मुख्य लक्ष्य रखा गया है, तो ये आप ध्यान रखें। इसीलिए कह रहा है कि सरकार द्वारा इंडोर एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड इफिशियंसी में सुधार के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है, ये आप ध्यान रखें। जो शुरू किया गया है किन दो संस्थानों के द्वारा शुरू किया गया है, तो एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड, ये तो है ही, यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी कि यूएसएड, इनके द्वारा शुरू किया गया है। कुछ समय पहले एक मैत्री नामक कार्यक्रम भारत में संचालित की गई थी। मैत्री नामक कार्यक्रम क्या है? मैत्री नामक कार्यक्रम को भी इन्हीं दोनों संस्थानों के द्वारा यानी कि एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड और यूएसएड, इन्हीं दोनों के द्वारा शुरू की गई थी। ये क्या था? जो बिल्डिंग बनाए जाते हैं उन बिल्डिंग को ऐसे बनाया जाए, चाहे वो संस्थागत बिल्डिंग हो, निजी बिल्डिंग हो, बड़े बड़े बिल्डिंग हो, उनको ऐसा बनाया जाए ताकि दिन के उजाले में रोशनी के लिए बल्ब जलाने की आवश्यकता ना पड़े। तो उससे क्या होगा? एनर्जी बचेगी और उससे उस संस्थान को भी फायदा होगा, तो पर्यावरण को भी फायदा होगा, तो इसलिए ये कार्य करता है। वैसे ही जो बिल्डिंग बनाए जाते हैं उसको इस प्रकार से स्ट्रक्चरल रूप दिया जाए ताकि बिल्डिंग में दिन के समय या फिर सामान्य वातावरण में रूम को ठंडा रखने के लिए एसी या फिर जो दूसरे एयर कंडीशनर होते हैं उनको चलाने की आवश्यकता ना पड़े। मतलब बिल्डिंग ऐसा हो जो पर्यावरण हितैषी हो, ऊर्जा का बचत किया जा सके, तो उस क्षेत्र में एक दूसरे को सहयोग करने के लिए मैत्री नामक कार्यक्रम चलाया गया था। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी राइस कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये क्या है? राइस कार्यक्रम, जो घर के बाहर के वातावरण में प्रदूषण का स्तर है, वायु प्रदूषण का स्तर है, उसको कम करना, तो इसे आप ध्यान रखें। क्यों महत्वपूर्ण है? ये जो कोरोना वायरस का संक्रमण है वो किसे प्रभावित कर रहा है, लोगों को क्या हो रहा है? उसकी वजह से लोगों का फेफड़ा प्रभावित हो रहा है, जो श्वसन नाली है वो प्रभावित हो रहा है, और हम यदि सांस लेते हैं घरों से बाहर, जब लोग निकलेंगे तो संक्रमित होने की संभावना ज्यादा होगी यदि प्रदूषण का स्तर ज्यादा होगा। तो इसलिए जो भी भारत में हवा की गुणवत्ता है उसको बेहतर बनाया जाए, चाहे वो कार्यालय हो या फिर सार्वजनिक स्थल हो, तो उन सारे ही क्षेत्रों में ये कार्य किया जाएगा, तो आप इसे ध्यान रखें। ये जो मैत्री कार्यक्रम क्या था, मैंने इसे आपको बता दिया है, आपने समझ लिया है। हम चलते हैं आगे। हमारे डिस्कशन का एक मिसलिनियस टॉपिक है मेटा मटेरियल। मेटा मटेरियल क्या है? कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो काफी उपयोगी होते हैं, चाहे वो कार्बन हो सकता है, चाहे वो लोहा हो सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मटेरियल हो सकता है, लेकिन यदि उसमें कुछ संरचनात्मक परिवर्तन किया जाए कृत्रिम रूप से और उसके बाद उसकी गुणवत्ता में वृद्धि हो जाए तो उस मटेरियल को मेटा मटेरियल कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, मान लेते हैं कार्बन है, उस कार्बन को आप कोयला के रूप में यूज कर सकते हैं, उस कार्बन को दूसरे बहुत सारे क्षेत्रों में यूज कर सकते हैं, लेकिन यदि इसी कार्बन में कुछ कृत्रिम परिवर्तन किए जाते हैं और उस कृत्रिम परिवर्तन के बाद उसकी गुणवत्ता में वृद्धि हो जाती है तो उसे मेटा मटेरियल कहा जाएगा, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। अभी इस दिशा में बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं, छोटे छोटे जो चीज होते हैं, जो मटेरियल होते हैं जिनकी कम उपयोगिता होती है, उसमें कुछ कृत्रिम परिवर्तन करके उसको बहुत ज्यादा उपयोगी बनाया जा रहा है। तो आपसे पूछा जा सकता है मेटा मटेरियल से आप क्या समझते हैं, तो आप बताएंगे ये एक प्रकार का तत्व होता है, एक प्रकार का मटेरियल होता है जिसमें कृत्रिम परिवर्तन करके उसको ज्यादा उपयोगी बनाया जाता है, तो आप इसे ध्यान रखें। ये बहुत सारे ऐसे उत्पाद दिए हुए हैं जिनको स्ट्रक्चरल परिवर्तन किया जाता है, उनके जो बॉन्ड होते हैं, जो तत्व होते हैं उनके बीच में जो बॉन्ड होते हैं उनको बांटने की कोशिश की जाती है, उनको घटाया या बढ़ाया जाता है, उनके आधार पर उनके संरचनात्मक परिवर्तन किए जाते हैं उनके आधार पर, और उसको ज्यादा उपयोगी बनाया जाता है, तो इसे आप ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का डिस्कशन था, हम अपने आज के डिस्कशन को यहीं रोकते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।